वेलकम बैक। अनकन्वेंशनल इज द न्यू बज़वर्ड इन बी टाउन और आजकल ना सिर्फ हटके फिल्में बन रही हैं पर उससे भी हटके ऑन स्क्रीन पेयरिंग्स भी नजर आ रही हैं और इस ट्रेंड के दो फ्रंट रनर्स आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं। प्लीज वेलकम नेहा दुपिया एंड विनय पाठक। वेलकम टू द शो गाइज। थैंक यू। हेलो, कंग्रेचुलेशंस, आपकी फिल्म रिलीज हो गई है और हिट हो गई है। एब्सोल्युटली। ऑलराइट, आप पहले मेरे को बताइए आप इस मूवी में एक साथ कैसे आए, लाइक हाउ वर यू पेयर्ड? इसका दोष हम किसे दें? सौरभ शुक्ला को। इसके लिए अगर किसी को आपको जिम्मेदार ठहराना है या दोषी ठहराना है या किसी को मुबारकबाद देनी है तो सौरभ शुक्ला जी को दीजिए, क्योंकि उन्होंने जब ये कहानी लिखी तो कहानी लिखते ही उन्होंने मुझे सुनाया, नेहा को सुनाया और कहा कि ये फिल्म है, और इसके बाद हमने उनसे कहा कि ठीक है बोलिए शूटिंग कब शुरू करनी है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट unconventional on-screen pairings, I can't imagine anyone better than Vinay Pathak doing it, and that's why we're sitting together right now talking about it happily. All right. मैं भी कुछ बोलूँ? हाँ जी, please. तो क्या है ना कि बहुत कम होता है कि सौरभ शुक्ला जैसे राइटर डायरेक्टर इस तरह से अपनी फिल्म माउंट करते हैं, एंड द बेस्ट थिंग फॉर अस ऑल्सो वॉज दिस कि जब उन्होंने कहानी लिखनी शुरू की तो हमें ध्यान में रख के उन्होंने कहानी लिखी, ऐसा उन्होंने हमें बताया। बिकॉज द मोमेंट द फर्स्ट, एक्चुअली उन्होंने जब इंटरवल तक लिख चुके थे तभी उन्होंने फोन करके मुझे बुला के मुझे कहानी सुना दी। ऑडियंस इतने यू नो हटके पेयरिंग को देखती है, वो आपको क्या लगता है वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं कैरेक्टर्स के साथ? अब मतलब इतने खूबसूरत सुंदर मर्द के लिए आपको प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी, मतलब इनके लिए हीरोइन खोजना, तो इसीलिए ये हुआ कि भाई इसमें सुंदरता की तुलना नहीं की जाएगी। विनय पाठक हैं सुंदर तो ठीक है, लेकिन थोड़ा टैलेंट भी देखा जाएगा, तो इसमें अगर आप देखें तो सुंदर मैं रहूंगा और टैलेंटेड रहेंगी नेहा दुपिया। कॉम्बिनेशन, या ही इज द ब्यूटी एंड द ब्रेन। लवली। विनय, आपकी लास्ट मूवी जो आई थी ऑडियंस के हिसाब से इतनी हिट नहीं रही, राइट? हिट क्या, नहीं चली भाई, सीधे कहिए, जमा के नहीं है। बहुत कम लोगों ने देखा उसे। चलिए नहीं चली, बट आपको क्या लगता है उसमें गलती क्या हुई? आपको लगता है कि पेयरिंग थी गलत या फिर स्क्रिप्ट के बारे में कुछ था? आपको बस यही काम मैं नहीं करता, पर आपके हिसाब से मैं गलती ढूंढने में अपनी एनर्जी कभी नहीं लगाता। जिसको अच्छी लगी वो भी वैलिड है, जिसको अच्छी नहीं लगी वो भी वैलिड है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। फेयर इनफ। नाउ ओवर टू यू, डज इट बॉदर यू कि आपको किसके साथ किसके ऑपोजिट कास्ट किया जा रहा है? एंड माई डिसीजन इंटायरली डिपेंड्स ऑन हाउ गुड और बैड द स्टोरी इज, एंड द स्टार रियली डजंट मैटर, बट लेट मी टेल यू इट्स अ ह्यूज क्राइटेरिया फॉर अ लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस और अ लॉट ऑफ एक्टर्स कि उनको इन्हीं के साथ काम करना है, उनके साथ काम करना है। एंड कई बार मेरे भी दिमाग में ऐसा गया कि आई रादर बी वर्किंग विद शाहरुख खान देन विनय पाठक, बट देन अगेन बिकॉज आई लव हिम मोर। भाई चार्म की बात है, क्या कर सकते हैं। आपके लिए बोला जाए अब कैरेक्टर रोल्स अब लीड रोल्स में आ गए, सो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? व्हाट इज योर डिसीजन मेकिंग? इज इट आल्सो अबाउट द स्क्रिप्ट या फिर आप कुछ और सूझबूझ के? अगेन व्हेन इट कम्स टू स्टेरियोटाइप आई डोंट पे हीड टू दैट। मेरे लिए सबसे सर्वोपरि जो है वो है कहानी जी। अगर मुझे कहानी पसंद नहीं है तो उसमें स्टार हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, वो मैं नहीं कर सकता। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। थैंक यू।